नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 18 मई सन 2022 आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान या शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और एग्रो जींस में क्या संभावना है। सबसे पहले बाजार के सितारों में आपका राशिफल। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियां, 1, 5 और 9, यानी मेष, सिंह और धनु राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 2, 6, 10 यह है पृथ्वी तत्व की राशियां, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आज का दिन संभवतः मुफीद न रहे, परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, सावधान रहें। वायु तत्व की 3 राशियां, 3, 7 और 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रही हैं, आप सावधान रहें। 4, 8, 12 जी हाँ, जल तत्व की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन आज शुभ और मंगलकारी रह सकता है। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब कृषि जींसों में आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं। गौरतलब है कल हमने आपको वीट के ऊपर चर्चा की थी, गेहूँ, गवार सीड, कपास खली, इन सब का अग्रिम आकलन दिया था जो कि सत्य साबित हुआ। आज कैस्टर सीड यानी अरंडी के अंदर कमजोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ये कमजोरी दिखा सकती है। कपास खली, कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, यहाँ तेजी बन सकती है। तो दोस्तों, ये था कृषि जींसों पर आज का आकलन। गौरतलब है वीट यानी गेहूं के ऊपर सरकार ने निर्यात के अंदर कुछ छूट देने का फैसला किया है। आपको याद होगा हमने लगातार अपडेट किया आपको गेहूं के निर्यात के प्रतिबंध और गेहूं के दामों के अंदर बेताशा तेजी का अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमने अपने पिछले एपिसोड्स में लगातार किया। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और व्यापारी संगठन के विरोध के चलते भारत सरकार ने निर्यात की शर्तों में कुछ छूट देने का फैसला किया है। गौरतलब है पहले गेहूं को निर्यात में फ्री कैटेगरी में था, जिसे प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया था। इससे भारतीय व्यापारी एवं निर्यातकों को एकदम से बड़ा परेशानी हुई, क्योंकि उनका माल बंदरगाहों पर पहुंच चुका था और खबर ये भी मिली कि हजारों ट्रक कांदला और मुंबई बंदरगाहों पर स्टक हो गए थे क्योंकि निर्यात पर प्रतिबंध लग गया था। लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और व्यापारी संगठनों के रिप्रेजेंटेशन के बाद भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात में कुछ छूट देने का फैसला किया है और खबर ये मिल रही है कि अब 13 मई तक जो निर्यात के जिनके पास ऑर्डर थे, जिनके पास पहले ऑर्डर थे और उन्होंने पंजीयन करा लिया था, उनको निर्यात में छूट दी गई। साथ साथ मिस्र का जो कंसाइनमेंट अंडर प्रोसेस था लोडिंग में, उसको भी पूरा करने का आदेश दे दिया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की जो प्रोक्योरमेंट की जा रही थी उसमें भी कुछ छूट देने का फैसला सरकार ने किया है। यहाँ अब गेहूं की खरीदी और की जो अवधि है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ साथ 18% तक गेहूं के जो सूखे हुए दाने हैं उनको भी खरीदी में शामिल किया गया है। गौरतलब है इस बार तेज़ गर्मी और लू के वजह से गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है और दाने भी सिकुड़ गए हैं, जिससे बड़ी परेशानियां किसानों को देखने को मिली। गौरतलब है कि इस भारत सरकार ने 444,00,000 टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर गेहूं की तेज कीमतों की वजह से वो पूरा होता नज़र नहीं आया। किसानों ने डायरेक्ट निर्यातकों और व्यापारियों को माल बेचा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को माल नहीं बेचा। खबर ये मिल रही है कि अभी तक 180,00,000 टन का ही खरीदी हुई है, जबकि लक्ष्य 444,00,000 टन गेहूं का था। इस बार 50% से भी कम गेहूं की सरकारी खरीद की गई है, क्योंकि किसानों ने माल ही नहीं दिया। इन सब को देखते हुए ये छूट संभवतः बेहतर हो सकती है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने गेहूं की कीमतों के ज़बरदस्त इजाफा से मुद्रा स्फीति में लगातार बड़ी तेजी की वजह से और भारतीय उपभोक्ताओं को आटा और मैदा, सूजी जैसे बहुत अति आवश्यक खाद्यान्न की में तेजी के वजह से मूल्यों में बेताशा तेजी को देखते हुए निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया था।
अब क्या संभावनाएं बनती हैं, कैस्टर सीड के अंदर आज कमजोरी बन सकती है, जबकि कपास खली यानी कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये था कृषि जिंसों पर आज का विश्लेषण। दोस्तों आपको याद होगा हमारे पिछले शो के अंदर हमने बैंक निफ्टी, निफ्टी, टाटा स्टील और मेटल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स के अंदर भारतीय शेयर बाजार में तेजी की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। कल मेटल स्टॉक्स ने 2 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी दर्ज हुई। हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे शेयर्स, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंडालको जैसे शेयर ने 6% से 12% की एक तरफा लंबी छलांग लगाते हुए देखे गए और एक ही दिन में 12 लाख करोड़ का निवेशकों का इजाफा कल के बाज़ारों में, भारतीय बाज़ारों में देखा गया। अब आज आप नज़र रख सकते हैं हिंदुस्तान आप नज़र रख सकते हैं इन्फोसिस, मारुति सुजुकी और HCL टेक जैसे स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखना उचित रहेगा। आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसके अंदर गतिविधियां अच्छी बनने की संभावना है। दोस्तों ये सभी जानकारियां आपको इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस, भारतीय विश्लेषण पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से रखें, रिस्क मैनेजमेंट का भी बहुत ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की का नफा या नुकसान की का जिम्मेदारी चैनल और विशेषज्ञ की कभी नहीं होती। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।